शो की शुरुआत में हमें रिंग में सोलो सिको और पॉल हेमन दिखे। पॉल हेमन कुछ बोलते तभी यहाँ जेउसो की एंट्री हो जाती है। जेउसो आगे बोलते हैं, मैंने काफ़ी कुछ चलने दिया यहाँ पर अपने भाई को ऐसे दगा देना ऐसा नहीं होता है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए कभी माफ़ कर भी पाऊंगा या नहीं, तो क्या कहना है तुम्हारा भाई बताओ। पॉल हेमन कहते हैं, देखो तुम गलत समझ रहे हो, ये सब गलत समझ रहे हो। ये क्यों है बता दूं, ये सोलो सिकोवा, ये पॉल हेमन, ये ट्राइबल चीफ, ये तुम्हारी भी फॉल्ट नहीं है, ये सब जिम्मी उसो की गलती है। ये जिम्मी उसो का फॉल्ट है क्योंकि जिम्मी उसो ने अपना मन बना लिया और अपने आप के लिए ही नहीं उसने मन बनाया तुम्हारे भी लिए। अब सोलो सिकोवा और जेउसो आमने सामने आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पॉल हेमन दोनों को शांत करते हैं, बोलते हैं शांत रहो, प्लीज शांत रहो, मैं नहीं चाहता ब्रॉल वगैरह, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का फिजिकल होना, मैं नहीं चाहता जेउसो तुम्हें हानि पहुंचाना, मैं मौका देना चाहता हूं बात करने का। जब जिम्मी ने ट्राइबल चीफ को नाइट ऑफ चैंपियन में सुपर किक दी तो उसने तुम्हें बताया, पूछा उसने तुमसे, नहीं तुम उससे सहमत भी नहीं थे और उसने सीधे वो करके दिया उसके लिए और तुम्हारे लिए। वो बड़ा है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, यहाँ मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जिम्मी यहाँ बड़े भाई की तरह रहता है, जिम्मी यहाँ कुछ ऐसा कर रहा है कि शायद उसमें तुम शामिल भी नहीं हो। जिम्मी को लगता है ट्राइबल चीफ तुम्हें तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के लिए, ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये तुम्हारी किस्मत है और तुम ये बनोगे। वो जिम्मी कभी नहीं बन सकता, वो ये पहले दिन से जानता है, वो जलता है तुमसे। देखो जे, ये बू कर रहे हैं क्योंकि ये जानते नहीं हैं सच्चाई क्या है। मैं यहाँ साबित करूँगा आज की रात सच्चाई को। ट्राइबल चीफ के लिए मैंने एक मैच अरेंज करा है, एक ऐसा मैच जो तुम्हें बनाएगा ट्राइबल चीफ, एक ऐसा मैच जिससे तुम गोल्ड वापस लाओगे ब्लड लाइन में। नहीं नहीं, ये टैग टीम गोल्ड नहीं होगा क्योंकि जिम्मी की वजह से कोई भी टैग टीम नहीं है उसोस के नाम से। देखो मैं नहीं चाहता कि चीज़ें ऐसी हो जाएं, तुम गोल्ड लाओगे क्योंकि आज की रात राइट हैंड मैन तैयारी करेगा उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए। तुम आज की रात हराओगे यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को और एक सिंगल चैंपियन बनोगे और तुम शुरू करोगे और अपने रास्ते पर निकल पड़ोगे। थ्योरी को हराओगे और नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनोगे और ट्राइबल चीफ के प्यार के काबिल हो जाओगे। ट्राइबल चीफ कहेगा जब टाइम सही होगा, जेउसो तू बनेगा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए अभी। इसके बाद जेउसो काफ़ी सोचते हैं, फिर वो बोलते हैं, मैं वो यूएस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। पॉल हेमन अब जेउसो से हाथ मिलाने को आगे बढ़ते हैं बट क्राउड नो नो के चैंट्स लगा रहा होता है। जेउसो कहते हैं, मैं बाकी की बातों के बारे में बाद में बात करूँगा। हमें सेंट्रोस एस्कोबार वर्सेस अली के बीच मनी द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड रे मिस्टीरियो भी थे और अनाउंस टेबल पर एली नाइट भी बैठे दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और दोनों ही जबरदस्त मूव एक दूसरे पर लगाते हैं। सेंट्रोस अब हावी हो जाते हैं, अली भी कुछ करतब वर्तब दिखाते हैं रिंग में, बट लगा नहीं कि वो मैच में कहीं भी दिखाई दिए हों। सेंट्रोस मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं, LWO मिलकर जश्न मनाते हैं। अब बैक से जेउसो के पास सेमीजन दिखाई दिए, वो बोलते हैं, आज की रात बहुत बड़ी रात है तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ तुम्हें एक डिसीजन लेना है, मैं भी ब्लड लाइन में था, समझता हूँ मेरे बेस्ट टाइम में से एक रहेगा ब्लड लाइन में रहना। ये जो हैंडशेक, नाचना, हंसना, तुम ना हंसने की कोशिश करते थे बट मैं फिर भी हंसा देता था, हमारी कहानी एक आदमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। जब ट्राइबल चीफ का भूत बढ़ने लगता है तो पॉल हेमन आगे आता है, मैं कर सकता था ब्लड लाइन को आगे रखने के लिए लेकिन मुझे हमेशा खुद को बार बार करना पड़ा। देख मेरे भाई, एक बड़ा डिसीजन लेना है, तुझे अगला ट्राइबल चीफ बनना है तो सोचो, मैं वैसे सही में चाहता हूं कि तू न्यू यूएस चैंपियन बने, सोच लेना आगे क्या होगा क्योंकि जिम्मी और जे नहीं रहेंगे तो उसोस भी WWE में नहीं रहेंगे। अपनी सुनो, दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, वो मत सुनो जो वो चाहते हैं और खास करके जो पॉल हेमन चाहता है। हमें NXT की वुमेंस टैग टीम चैंपियंस दिखाई दी, तभी यहाँ रोंडा रोजी और शायना बेजलर आके कहती हैं कि तुम्हें खुद को वुमेंस टैग टीम बुलवाना है, एक सवाल पूछती हूँ तुमसे, तुम्हें कितना पता है टाइटल के इतिहास के बारे में? देखो मैं वो हूँ, मैं वो कारण हूँ जिनके लिए ये टाइटल बनाए गए थे, वो शायना बेजलर के नाम से टाइटल हैं। रोंडा रोजी कहती हैं कि शायना, मैं थोड़ी गणित कर रही थी कि हम सबको हरा चुके हैं तो कोई तो लगेगा हमसे लड़ने के लिए। अब रोंडा रोजी कहती हैं कि इस डिवीज़न में हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं है, हम दोनों को तुम दोनों के टाइटल भी चाहिए, तुम हम दोनों को यूनिफिकेशन मैच में मिलना चाहते हैं, तुम दोनों टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में मिलना चाहते हो। तभी इनके बीच ब्रॉल वगैरह दिखता है। पहले तो रोंडा रोजी और शायना हावी दिखाई दी, लेकिन जब ये अल्फा फायर और ये डॉन पलटवार करती हैं तो रोंडा और शायना को ये रिंग से खदेड़ देती हैं। हमें बेले वर्सेस मशीन के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड यू स्काई और कमेंट्री टेबल पर एजे स्टाइल दिखाई दिए। बेले मैच शुरू होते ही अटैक करती हैं, मशीन भी पलटवार करती हैं और कंट्रोल बना लेती हैं और काफ़ी बार पिन करने की कोशिश करती हैं। बेले अब मूव देती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। तभी यहाँ स्कारलेट आके एजे स्टाइल पर लाल मिर्च पाउडर या शायद लाल गुलाल मार के हैप्पी होली कहती हैं और पीछे से कैरियन क्रॉस सबमिशन लगा के एजे स्टाइल को ढेर कर देते हैं।
अब टाइम था आस्का को न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप देने का। एडम पियर्स रिंग में दिखाई दिए, अब वही सेम पोडियम जिस पे लास्ट वीक रोमन रेंस का न्यू डिजाइन था, या यूं कहूं साल 2013 में जब रॉक ने न्यू चैंपियनशिप रिवील करी थी तब भी ऐसा ही सेम डिजाइन का पोडियम रखा हुआ दिखाई दिया था। अब एडम पियर्स कहते हैं मेरा भाग्य है कि मैं आप सभी के सामने रिवील करने वाला हूं, स्वागत करिए रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का का। अब पर्दा हटा और न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप आस्का को दी जाती है और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप ले ली जाती है। अब भाई नया टाइटल आया है तो शार्लेट फ्लेयर की फाइनली नींद खुली और प्रकट हो गई आस्का के सामने। शार्लेट फ्लेयर सोच रही होंगी कि ये तो अपन को मांगता है। एडम पियर्स कहते हैं शार्लेट फ्लेयर ये हम कर क्या रहे हैं, मैं जानता हूं तुम क्या करना चाहती हो, तुम लाइन में आने की जरूरत है। शार्लेट फ्लेयर कहती है एक्सक्यूज मी, मैं किसी के लिए नहीं रुकती, मुझे कोई लाइन की जरूरत नहीं है, मैं लाइन बनाती हूं, जहां मैं खड़ी होती हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है। आस्का मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं और वो चैंपियनशिप अब मुझे चाहिए। आस्का पता नहीं क्या करके बोलती हैं। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि एडम जब तुम ये मैच ऑफिशियल करोगे तो ये टाइटल मेरे वेस्ट पे होगा। आस्का तभी ब्लू मिस्ट शार्लेट फ्लेयर पर मारती हैं, शार्लेट फ्लेयर बचती हैं और आस्का को रिंग से खदेड़ देती हैं। अब लॉकर रूम में जे उसो के पास पॉल हेमन दिखाई दिए, वो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत मस्त था, डरा दिया मुझे, अच्छा अच्छा टीवी पे अच्छा लगेगा, मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रही है, तुम अगली चीज़ जो मेरे हाथ में दोगे वो पासपोर्ट और अपने एक सूट का नाप, वो इसलिए क्योंकि तुम ट्राइवल चीफ के साथ प्राइवेट जेट में सफ़र करोगे। नेक्स्ट वीक हम स्मैकडाउन पे जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे न्यू यूएस चैंपियन बनने का और एक पब्लिक एक्नॉलेज तुम रोमन रेंस को स्वीकार करोगे। और अब फिर से पॉल हेमन हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब जे उसो कहते हैं कि अच्छा लगा न्यू यूएस चैंपियन बनूंगा, सेलिब्रेट होगा, तो तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, अगर मैं ब्लड लाइन में रहूंगा इसका मतलब तुम ब्लड लाइन से बाहर जाओगे, समझे। अब बैकस्टेज एडम पियर्स के पास बियांका ब्लेयर दिखाई दी, एडम पियर्स कहते हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, बियांका कहती हैं कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं सबको मजा चखा दूंगी। अब ब्रॉलिंग ब्रूट्स दिखाई दिए जो कि स्टेज से ही बुच को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट समय बुच वर्सेस कॉर्बिन के बीच मैंस मनी द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग के पास क्राउड में एनएक्सटी के कैरमेलो हयास बैठे दिखाई दिए और उनके साथ एक और बंदा था। कॉर्बिन आके दोनों को लताड़ते हैं, वाह ट्रिपल एच, एनएक्सटी की स्टोरी लाइन यहाँ भी कंटिन्यू यार। फाइनली बुच और कॉर्बिन के बीच मैच शुरू होता है, बुच ताबड़तोड़ अटैक करते हैं, कॉर्बिन को ज़्यादा मौके नहीं देते हैं और अनोखा पिन करके क्वालिफाई कर जाते हैं मनी द बैंक के लिए। कॉर्बिन अब विलियम्स, शायद विलियम नाम होता है उसका, उस पर अटैक करते हैं। कैरमेलो हयास कॉर्बिन पे पंच चढ़ देते हैं और कूद के भैया रिंग साइड आ जाते हैं, ऑफिशियल आके बीच बचाव कराते हैं। हमें इयो स्काई वर्सेस शॉर्ट जी के बीच क्वालिफाई मैच दिखा, इयो आके शॉर्ट जी में मार देती हैं, शॉर्ट जी का पलटवार करती हैं, इयो को बता देती हैं कि बेटा आसान नहीं होने वाला है। बैले अब डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इयो स्काई कंट्रोल की कोशिश करती हैं बट शॉर्ट जी उसे फेल कर देती हैं। वापस से बैले यार डिस्ट्रैक्ट करके शॉर्ट जी को टॉप रोप से गिरा देती हैं, इयो स्काई मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब बैकस्टेज केविन ओवन सेमीजन दिखाई दिए, केविन ओवन सेमीजन से पूछते हैं तो सेमीजन कहते हैं हाँ मैंने बात करी उससे, देखते हैं आज की रात क्या होता है। केविन ओवन कहते हैं अब अपने टाइटल पे फोकस कर लें। तभी वहाँ प्रीति तितली आ जाती हैं, वो बोलती हैं केविन ओवन से क्या तुमने सोचा है इस मोटे टॉपिक को कम करने का, टाइटल डिफेंड ही कर लूँ। तभी वहाँ ब्रॉलिंग ब्रूट्स LWO और केविन ओवन चिल्ला पड़ते हैं, इनको लड़ना है, उनको लड़ना है, किसको लड़ना है, चल क्या रहा है यहाँ पे। एडम पियर्स आके संभालते हैं, रोकते हैं, केविन बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। एडम कहते हैं ये सब गॉन्टलेट मैच में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो लड़ेगा चैंपियंस के खिलाफ। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जे उसो के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं, थ्योरी काफी इंप्रेस करते हैं, जे उसो भी जबरदस्त पलटवार करते हैं, जे थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दिए। जे उसो आते हैं अब अपने मूड में और पटाक पटाक सुपर किक थ्योरी में पड़ती हैं, जे अब स्प्लैश लगा देते हैं बट रेफरी भाई साहब रिंग के साइड ढेर हो जाते हैं। तभी यहाँ प्रीति तितलियाँ आके जे उसो पर अटैक कर देती हैं, जिम्मी आके तितलियों को सुपर किक लगा देते हैं। तितलियों का यहाँ क्या काम था भाई मुझे समझ में नहीं आया। हाँ कुछ वीक पहले थ्योरी के साथ दिखाई दी हैं तितलियाँ, तभी सोलो आके जिम्मी को समोन स्पाइक लगाने वाले थे, जे सोलो का हाथ पकड़ लेते हैं, सोलो अब जे उसो पे अटैक करने वाले थे, जिम्मी सुपर किक लगाते हैं, सोलो हटते हैं, वो जे को पड़ जाती है। ऑस्टिन थ्योरी आके जे उसो को पिन करके मैच जीत के निकल जाते हैं और टाइटल रिटेन कर लेते हैं। जिम्मी की गलती से जे उसो आज मैच हार चुके हैं, हालांकि वो गलती नहीं है, बाई मिस्टेक ऐसा हुआ। सोलो और पॉल हेमन रिंग साइड दिखाई दिए, जे उसो उठे और जिम्मी का हाथ झटक के बैक स्टेज चले गए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ब्लड लाइन में दरार बढ़ती चली जा रही है, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जे उसो किसके साथ हैं। मेन इवेंट में सोलो सिकोवा, जे उसो और जिम्मी तीनों भाइयों के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। वहीं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। प्रीति तितलियों का मेन इवेंट में क्या काम था कोई समझा दे मुझे। हाँ थ्योरी के साथ वो दिखाई दिए हैं लास्ट वीक सेगमेंट वगैरह में, तो शायद थ्योरी की हेल्प वगैरह करने आए थे वो। WWE ने खुद से वुमेंस की न्यू टाइटल डिजाइन की हाइप खराब करके रख दी। वैसे WWE वुमेंस डिवीजन को आगे लाना
चाहती है, तो ट्रिपल एच को खुद आके ये रिवील करना चाहिए था। और टाइटल में कुछ नया नहीं है, रोमन रेंस पे जो टाइटल है वही सेम है, बट उसमें वाइट स्ट्रैप लगा दी है। और तो और आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच 3 वीक बाद टाइटल मैच भी अनाउंस कर दिया है, स्मैकडाउन में होगा जो कि यूके का एपिसोड होगा। शार्लेट फ्लेयर को आते ही मैच देखना कमाल है भाई भाई। वहीं वुमेन्स के बीच टैग टाइटल यूनिफिकेशन मैच, वो भी एनएक्सटी के साथ। चौंको मत, वो इसलिए क्योंकि एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन अल्बा फायर और डॉन यूके के हैं, जहां मनी इन द बैंक होने वाला है यूके में। और मुझे लगता है वहां की क्राउड को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिपल एच ये सब कर रहे हैं। और ये क्या ट्रिपल एच एनएक्सटी को जबरदस्ती का यार मेन रोस्टर में घुसेड़े पड़े हैं यार एनएक्सटी के सुपरस्टार, यहां स्टोरी लाइन, यहां ड्राफ्ट का मजाक बना के रख दिया ट्रिपल एच। सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस एनएक्सटी के सुपरस्टार का यहां देखने को मिल रहा है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।